हेलो मैं यूट्यूब फैमिली कैसे सब आप सब हाय फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों को सूट पैंट कटिंग बताने जा रही हूँ जिसकी लंबाई है साढ़े पैंतीस इंच कमर हमारी हिप हमारी है छत्तीस इंच तो सबसे पहले दो इंच बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा हम छोड़ेंगे यहाँ पे साढ़े पैंतीस इंच पे निशान लगाएंगे तीन इंच एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे मोड़ी के लिए यहाँ पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और ओपन साइड अपने तरफ रखा है ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा बराबर हो जाए और छत्तीस का हिस्सा नौ इंच होता है उसमें दो इंच लूजिंग रखेंगे और आसन के लिए बारह इंच पे हमने निशान लगाया अब इसको सीधे हम निशान को मिला देंगे फिर दो इंच एक्स्ट्रा रखेंगे आगे की तरफ बढ़ाएंगे और राउंड शेप दे देंगे आसन गुलाई के लिए अब यहाँ पे हम नाप लेंगे और उसके बीचों बीच मार्क कर लेंगे तो हमारा यहाँ वैसे नीचे से मार्क कर लेंगे साढ़े सात इंच पे और हमारा मोड़ी है छः इंच तो तीन इंच इधर तीन इंच उधर निशान लगा लेंगे अब देखिए इस प्रकार स्केल रखेंगे और सीधे निशान को हम मिला देंगे फ्रेंड्स अगर आपके पास स्केल ना हो तो आप हाथ से भी मार्क कर सकते हैं फिर इधर भी देखिए इस तरह स्केल रख कर हमने सीधे निशान को मिला लिया फ्रेंड्स सीखी हमारा फ्रंट पार्ट कट रहा है अब इसको हम कटिंग कर लेंगे हमने कटिंग करना है आप चाहे तो पिन अप भी कर सकते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर सरके ना सेम ड्रॉ पे हम कपड़ा कटिंग कर, कर लेंगे देखिए हमने सेम ड्रॉ पे कपड़ा कट लिया और कपड़े को अब उठाया हमने और डबल फोल्ड करके जो कपड़ा था वैसे ओपन साइड अपने साइड रखा है और यहाँ पे बैक का पार्ट काटने के लिए यहाँ पे हमने कपड़े के ऊपर रखा है सबसे पहले दो इंच ऊपर से छोड़ करके हमने रखा है कपड़ा को फिर दो दो इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए फ्रंट की तरफ देखिए इस तर, साइड इस हम लोग दो दो इंच इन, निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा बैक पार्ट में बैक पार्ट के लिए दो दो इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे आप डेढ़ इंच भी रख सकते हैं और देखिए यहाँ पे बैक पार्ट में दो इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखेंगे आगे जहाँ जॉइंट हम करेंगे बीच में ताकि हमारा पैंट टाइट ना हो स्टिचिंग के समय फिटिंग हो आप कट कर लेंगे हम और इधर से बैक साइड से हम सेम निशान पे ड्रॉ कटिंग कर लेंगे यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि हमारा मोड़ी के लिए निशान लग जाए इस तरह देखिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट के रेडी है बेल्ट के लिए हम मार्जिंग करेंगे तो हमारा दोनों जितना है उस दोनों का मिलाकर देखिए इस प्रकार एलेवेंथ इंच ये हो गया और दोनों मिला के चौबीस इंच है डबल फोल्ड में तो तीन इंच डबल फोल्ड करके कपड़ा काट सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं बेल्ट के लिए कपड़ा जितना चौड़ा आपका लास्टिक हो उतना के लिए हमने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रख देखिए कपड़ा रखा है डबल कपड़े को भी हमने फोल्ड किया है ताकि हमारा मार्जिन एक ही बराबर हो जाए तो यहाँ पे हमने ढाई इंच ढाई इंच चौड़ा काटा है बेल्ट के लिए अब यहाँ से देखिए जो राउंड शेप था इसके लिए पॉकेट के लिए हम कटिंग कर लिए हैं पॉकेट एक तरफ लगाएंगे सो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार हमारा सूट पैंट कटिंग हो गया है अब चलते हैं हमें स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आसन की तरफ से सिलाई करेंगे फ्रंट पार्ट का दोनों दोनों हिस्सा देखिए हमने सिल दिया डबल सिलाई कर लेंगे ताकि हमारे मजबूती बने रहे जो पॉकेट हमने कटिंग की थी देखिए उसको सीधी साइड रखेंगे ऊपर से और इस तरह राउंड शेप दे देंगे आप चाहे तो तिरछा निशान भी लगा के पॉकेट का सेप दे, दे, रहे। दे सकते हैं हमने गुलाई में यहाँ पे रखा है यहाँ से कट कर देंगे और छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमारा पॉकेट पलट कर सही से फिनिशिंग के साथ आए ऊपर से यहाँ पर फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगा देंगे देखिए हमने फिनिश पलट करके फिर एक सिलाई ऊपर से लगा देनी है और तो फिर फोल्ड कर करके यहाँ पे जितना मर्जी साइज का था उस सिलाई में ला करके के पॉकेट के हिस्सा को देखिए यहाँ पे नीचे स्टिच कर देना है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम साइड में अटैच कर दिए हैं ताकि हमारा पॉकेट इधर से उधर ना हो और जो नीचे का हिस्सा बचा था पॉकेट के का उसको मैंने हमें स्टिच कर देना है सो फ्रेंड्स हमारा देखिए इजली एकदम तो आसान तरीके से पॉकेट बन के तैयार हैं ऊपर भी यहाँ हम सिल देंगे इस तरह हमने फ्रंट का पार्ट तैयार कर लिया बैक पार्ट को भी ऐसे ही रेड कर लेंगे डबल सिलाई कर देंगे ताकि हमारा सिलाई पक्का हो जाए देखिए फ्रेंड्स हमने पीछे के भी आसन के भाग को हमने सिल लिया फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को साइड का ज्वाइंट करेंगे पक्का सिलाई करते हुए हाफ इंच का मार्जिन देते हुए आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं मार्जिन जितना आपने दिया हो हमने हाफ इंच का मार्जिन दिया था तो इसलिए हाफ इंच की दूरी देते हुए सिलाई करेंगे यहाँ पे देखिए मोड़ी को जहाँ से हमने कट लगाया था वहाँ से फोल्ड कर लेना है दोनों तरफ के दोनों तरफ फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और फिन लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर से उधर ना हो और यहाँ से थोड़ा सा अंदर करते हुए यहाँ से नीचे हमारा जितना बॉटम है उतना खुला रहेगा देखिए इस तरह से हमें हम, सुई यहाँ पे लगा लेनी है यहाँ से मुड़ा कर सुई को अंदर करते हुए ऊपर की साइड सिलाई लगा लेनी हमने डबल सिलाई यहां पे लगा ली अब ऊपर से फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे देखिए जो हमने कपड़ा मोड़ी के लिए फोल्ड किया था उसको अंदर फोल्ड करते हुए और साइड से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई को बाहर निकाल लाएंगे देखिए फ्रेंड्स हमने निकालना है बाहर और दूसरी साइड से अंदर से फोल्ड करके एक ऊपर से सिलाई चला देंगे पे हम बराबर करते हुए सिलाई चला देंगे ताकि हमारी मोड़ी बराबर से बैठ जाए यहाँ पे जो थोड़ा सा भाग बचा हुआ था वहां पे भी सिलाई चला देंगे देखिए फ्रेंड्स इस तरह हमारे मोड़ी बन के तैयार है वैसे दूसरा भी मोड़ी बना लेंगे दूसरे टाइप की सिलाई चला करके अब हमें बीच की सिलाई लगानी है तो सबसे पहले यहाँ पे बीच में हम पिन कर लेंगे और एक तरफ से मोड़ी की तरफ से सिलाई लगाएंगे हमने हाफ़ इंच का मार्जिन यहाँ पे छोड़ा था तो इसलिए हाफ़ इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे कपड़े को बराबर करते हुए सिलाई कंप्लीट करेंगे दूसरे पैर की भी देखिए हमने दूसरी तरफ की भी सिलाई कंप्लीट कर ली है अब डबल सिलाई कर लेंगे फ्रेंड्स हमारी जीत की सिलाई कंप्लीट हो गई है अब हमारा जितना कमर है उसमें तीन इंच कम कर सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग लास्टिक नाप भी सकते हैं कमर में कि हाँ आपको कितनी कंफर्टेबल है तो लगा सकते हैं तो हमने यहाँ पे मापा है छत्तीस इंच कमर था तो तीस इंच ही हम लगाएंगे लॉस्टिक सबसे पहले कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है उसके बीचों बीच भी, में रख देंगे हम लास्टिक देखिए हमारा बेल्ट थोड़ा चौड़ा कट गया है इसको हम अटैच करके फिर बाद में छाट देंगे पहले सबसे पहले एक साइड हम लास्टिक को अटैच कर देंगे ताकि बाहर ना निकले और फिर उसके बीचों बीच रख के और हम लास्टिक अंदर रखेंगे और बेल्ट और पैंट का जो है उसका बीच वीच निभा पकड़ के ऊपर का देखिए इस प्रकार सिल रहे हैं वैसे आप भी सिलेगा इससे हमारा एक ही बार में दोनों हो जाएगा लास्टिक भी लग जाएगी और बेल्ट भी जॉइंट हो जाएगा पैंट में बराबर करते हुए अटैच करना है बेल्ट को और इधर लास्टिक भी देखना है ताकि हमारा लास्टिक बराबर रहे लास्टिक पे सिलाई नहीं चलानी है इलास्टिक इसे ठीक बरा नीचे ही चलानी है देखिए इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे हम दोनों सिल, दोनों लास्टिक के मुँह सिरे को पकड़ के सिलाई लगा लेंगे बाकी सिलाई कर देंगे जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे फिर ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे बेल्ट के नीचे जहाँ से हमने सिलाई लगाया था उसके देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ठीक उसके नीचे लास्टिक के नीचे ही लगाएंगे यहाँ पे सीधे हम लास्टिक के नीचे सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार हमारा सूट पैंट रेडी हो गया फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक्स